अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चक पटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का स्वागत है। मैं काजल मूलचंदानी ले चलती हूं आपको शहर की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष प्रवेश समारोह में भाजपा के पदाधिकारी राम वाधवा ने पप्पू कालानी को आतंकवादी कहा था, जिससे कि शहर में तनावपूर्ण वातावरण बन गया। उल्लासनगर टाउनशिप इज वर्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ गैंगस्टर्स, यानी कि सारे गैंगस्टर लोग हमारे शहर को चला रहे। विकिपीडिया पे मैंने एक और सर्च किया कुमार एलानी का नाम। कुमार एलानी जी के लिए लिखा आता है, कुमार एलानी इज ए लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। सिंपल शॉर्ट, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। जो पप्पू कालानी जी का नाम डाल देंगे हम विकिपीडिया पे, पप्पू कालानी इज एन इंडियन क्रिमिनल पॉलिटिशियन फ्रॉम उल्लासनगर। उल्लासनगर का नाम इन लोग इस तरह रोशन कर रहे हैं। He is currently on bail in 19 cases, including 8 of murders. मतलब ऐसे गुनेगार लोग हमारे शहर को चला रहे और हमारा नाम शहर का खराब कर रहे। साथ ही में ज्योति कालानी जी का, आमदार मैडम का भी मैंने नाम सर्च किया, आप भी कर लीजिएगा। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विकिपीडिया कह रहा है और गूगल। ये कहते हैं she in the recent year also faced several charges of intimidation and forgery, यानी कि ये लोग forgery करते हैं, cheating करते हैं। कल रोहित कन्हैया जी को अपनी कलानी ने एक मैसेज डाला है सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे दुकानदार की इमारत को लेके, ये लोग कैसे forgery करते हैं वो उसके मैसेज में खुद उन्होंने लिखा है कि हमने जिस तरह से वादा किया था उस तरह ऑर्डिनेंस लाने का काम हमने पूरा किया है। तो ये कोई ऑर्डिनेंस नहीं था, ये एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेकिन ये सबको घुमरा कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लिया है। तो इनका काम ही है फॉर्जरी करना, इंटिमिडेशन, लोगों को घुमरा करना। इस तरह के काम हमेशा से वहां से होते आए रहे हैं। हमारे उल्लासनगर शहर में क्राइम जो है, क्राइम का रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। सारे व्यापारी इस तरफ आ रहे, एंटी लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो मैं यही आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले चुनाव में हम ऐसे गुनेगार लोगों को, गुनेगारी करने वालों को दूर रखें, इनसे दूर रहें, इनके साथ न घूमें। इनको पप्पू कालानी को विकिपीडिया में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है टेररिस्ट, जो टाटा एक्ट में कहते हैं टेररिस्ट, आतंकवादी। अब आतंकवादियों को जगह भारत देश में देना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को भारत देश में नहीं देना चाहिए। हमारा शहर तो छोड़िए, इनको भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो यही विनती करूंगा आने वाले चुनाव में आप सभी के, हमारे कुमार जी है उन सभी के लिए हम रुके, उनके लिए हम समर्थन करेंगे। और आने वाले चुनाव में वो अगर खड़े होते हैं, उन्हें पार्टी की टिकट तो मिलनी है ही है, कंफर्म ही है, वो खड़े होंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर दिलाने का काम हम सभी को करना है। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। राम वाधवा के बयान से नाराज हुए पप्पू कालानी समर्थकों ने कुमार एलानी के निवास स्थान पर मोर्चा निकाला और ये चेतावनी दी कि अगले 3 दिनों में कार्रवाई नहीं की गई तो वो एक बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। कुमार एलानी के मंच पर, ये शहर का आतंकवादी है,
आप सभी पत्रकारों को पता होगा कि पप्पू कलानी ने यह शहर के लिए क्या किया है। हेलो, सिंधी समाज, दलित समाज, उत्तर भारतीय, मुस्लिम, इन सब समाजों को पप्पू कलानी ने गांव को शहर बनाया और आज उसको ऐसा व्यक्ति जो जिसके ऊपर 8 मामले दर्ज है, जो येरोडा जेल में है राम वाधवा, जो चीटर है, जो वो कुमार एलानी के साथ में बैठकर, जो दुलीचंद कलानी की हत्या का प्रमुख आरोपी है कुमार एलानी, और ऐसा आदमी हमारे आदरणीय महानायक पप्पू कलानी जी को आतंकवादी कहते हैं, ये पूरे शहर को पता है कि हम क्या हैं। और हमने आज पुलिस को निवेदन दिया है कि मोमी कलानी यूथ की तरफ से कि 3 दिन के अंदर यदि राम वाधवा पर और कुमार एलानी पर गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो यह शहर का लॉ एंड ऑर्डर का हम पूरी तकलीफ दे देंगे। और पूरा सिंधी समाज, सभी समाज के लोग सड़कों पर उतर कर कुमार एलानी के खिलाफ हम शहर में घूमने नहीं देंगे और कुमार एलानी के मुंह पर काला लगाएंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। इस बारे में पुलिस प्रशासन ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दिनांक 14-9 रोजी टाउन हॉलमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांचा कार्यक्रम होता। त्या कार्यक्रमामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार कुमार हरी यांच्या उपस्थितीत राम वाधवा यांनी माजी आमदार पप्पू कलानी यांच्या संदर्भात अपशब्द वापरले। त्या विरोधात टीम मोमी कलानी पक्षाचे जे काही कार्यकर्ते होते त्यांनी त्याच्यावर चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिलेलं आहे, अर्ज दिलेला आहे। अर्जाच्या नुसार अर्जाची चौकशी आम्ही करत आहोत, जे काही प्रचलित कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। किती लोकांना तुम्ही अटक केलेली आणि सुधारेच्यामध्ये आम्ही 1-20 कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे मुंबई पोलीस 68 प्रमाणे आणि त्यांना 1917 रिलीज केलेलं आहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। आमदार ज्योति कालानी ने राम वाधवा के बारे में क्या कहा, आइए जानते हैं। आतंकवादी है क्या पप्पू कालानी? अब तो इलेक्शन सिर्फ शुरू हुए हैं, अभी आगे तो और 1 महीना पूरा है, तो संयम रखना चाहिए उनको भी। और मैदान खाली है लड़ाई करने के लिए, जिसको लड़ाई करनी है, आमदार का चुनाव लड़ना है, वो अपने हिसाब से, हम लड़ रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं ना। पर मुझे लग रहा है कि ये 2-4 दिनों से जो मेरी जो सक्सेस है, जो 5 सालों की जो मैं नोटिफिकेशन वगैरह लाई हूँ और काम मैंने जो 6 करोड़ रुपए के सरकार से पास करा के और 2 दिनों से जो उनकी ओपनिंग और मुहूर्त हो रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है उनकी, जो कि गलत बात है। हम पुलिस स्टेशन पे हमारे सभी कार्यकर्ता जो हैं समर्थक पप्पू कालानी के यहाँ पे मोर्चा लेकर के आए हैं और निवेदन सिर्फ देने के लिए कि जिन्होंने ये शब्द बोले हैं कि ज्योति कालानी क्रिमिनल है और पप्पू कालानी टेररिस्ट है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, नहीं तो बात इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और जिन्होंने बोला है रेपिस्ट बलात्कारी लोगों के को अगर हम नहीं हुआ कुछ तो लगेगा कि इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, फिर उसके बाद में जो हम भी मैदान पर उतर आएंगे। अभी सिर्फ अल्टीमेटम देने पुलिस को आए हैं कि आइंदा 1 महीना और पड़ा है कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिचुएशन पुलिस को संभालनी चाहिए। अभी देखिए गुनहगार हैं तो आप सभी को तो मालूम है कि कुमार एलानी तो दुलीचंद कालानी मर्डर केस में है, वो गुनहगार नहीं है क्या? पर अगर अभी इलेक्शन के टाइम में हम ये सब बातें निकालेंगे तो मुझे लगता है कि हमें काम करने के लिए बहुत कुछ है, हमें इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए बहुत कुछ करना है। हमको 1 सेकंड बोलेंगे ना तो घर में ऐसे फुर्सत नहीं मिलती है, तो ये सब बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं। पर ऐसी सिचुएशन शहर में पैदा नहीं हो, कौन कितना गुनहगार है, किसने क्या काम किया है और क्या है, वो पूरी शहर जानता है। मैं पूछती हूँ गुनहगारों से, क्या पप्पू कालानी जेल में रह के 2 बार चुनाव नहीं लड़ के आए थे? क्या आए थे? वोट देने वाले कौन थे? पब्लिक थी ना, तो बोलने वालों को बोलने दो, जो बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आदी है। और मैंने पहले ही कहा है कि जब इलेक्शन आती है तो आल वर्सेस पप्पू कालानी फैमिली, ये तो नियम है ना, हमेशा हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है और अभी भी ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होने वाला है। पर हम तैयार हैं क्योंकि 5 साल हम लोगों ने जी जान से इस शहर की सेवा की है और हम उसकी वजह से इलेक्शन लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं और हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे। ये लड़ाई झगड़ा मारामारी करके और गंदे शब्द बोल करके हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। भाभी जी, ये राम वाधवा ने स्टेटमेंट कल बोली थी, पिछली ये स्टेटमेंट, अभी पिछली स्टेटमेंट, पिछली स्टेटमेंट, पीछे लिया रिकॉर्डिंग तो आ गया है ना।
रिकॉर्डिंग तो आ गया, पीछे लिया तो पब्लिकली खड़े होकर पुलिस स्टेशन में आकर के माफी मांगे सबसे। और राम वाधवा कौन है आप सबको तो मालूम है, एक बलात्कारी इंसान जो बोलेगा उसके ऊपर पब्लिक। और हमें देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं सिर्फ काम पे, ये चुनाव के स्टंट्स हैं जो वो कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है। शहर का माहौल खराब होगा, उससे उनके वोट नहीं बढ़ने वाले हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है। शहर का माहौल खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, पुलिस का टाइम वेस्ट होगा, ये बातें आइंदा ऐसे नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पुलिस स्टेशन पे आए हैं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। राम वाधवा ने इस पूरे आंदोलन पर और अपने बयान पर खेद जताया। उल्लासनगर 3 टाउन हॉल में भाजपा पक्ष की तरफ से पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में मुझे उल्लासनगर शहर के संयोजक यानी कि प्रवक्ता करके मुझे पद दी गई है। वो पद स्वीकारने के बाद मेरी तरफ से टाउन हॉल में एक स्टेटमेंट दिया गया था सच्चाई के आधार पर। मैंने उस स्टेटमेंट में ये बताया है कि विकिपीडिया पे जो लिखा गया है उल्लासनगर शहर के बारे में, माजी आमदार पप्पू कालानी जी, आमदार मैडम ज्योति कालानी, ओमी कालानी जी, उनके बारे में जो विकिपीडिया पे हकीकत है, वो मैंने सिर्फ पब्लिक को वहाँ पे पढ़ के सुनाया है। उसका आक्रोश, उस चीज़ को लेके कुछ लोगों में नाराज़गी व्यक्त हुई है। वो लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पे स्टेटमेंट आ रही है कि ये बात जिसने बोली है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, गुनहगारी के उनकी धमकियाँ आ रही है, हम उसको घर से बाहर निकलने देंगे नहीं। पता चला अभी मोर्चा भी लेके आ रहे हैं वो, तो हमने तो हमारी जो प्रिकॉशंस लेनी है पुलिस की तरफ से, पुलिस को हमने इंटीमेशन देके वो कर लिया हमारी। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये कि जो कल स्टेटमेंट दी गई थी वो एक सच्चाई के आधार पर विकिपीडिया से पढ़ के मैंने सिर्फ सुनाया था, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर उसको लेकर के किसी का दिल दुखा है तो वो मेरी कभी भावना नहीं थी, वो मैंने उस उद्देश्य से कुछ ये बोला नहीं था। फिर भी अगर किसी को उसका बुरा लगता है, सच्चाई सच कड़वा रहता है, तो मैं उसकी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। कल पक्ष प्रवेश था, कल कुछ राष्ट्रवादी के, एनसीपी के कुछ एक्स नगर सेवक, कुछ कांग्रेस के, कुछ टीओके के पदाधिकारी कल सवेरे यहाँ पे पक्ष में प्रवेश हुए। हमने राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी के पास उनको लेके गए और उनको उनमें पक्ष में प्रवेश करवाया। उसके बाद में हमने 6 बजे एक कार्यक्रम रखा था, कुछ और लोग भी उल्लासनगर से जुड़ना चाहते थे, तो कल टाउन हॉल में हमने कल शाम को 6 बजे हमारे जो एक्स MLA श्री गुरमुख जगवानी जी, उनको बुलाए थे और उनके हाथों से पक्ष प्रवेश कार्यक्रम किया। काफ़ी लोगों ने जो NCP के थे, कांग्रेस के थे, उनको हमने पक्ष में लिया। पक्ष में लेने के बाद उनको आक्रोश लगा होगा, जो आज उन्होंने मोर्चा लाया वहाँ पे किसी आदमी ने जो मुझे सुनने में आया, राम वाधवा ने कुछ उसके बारे में, पप्पू कालानी के बारे में कहा कि ये ताड़ा आरोपी है, टेररिस्ट है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। फिर सबका उन्होंने गूगल से नेट से निकाला, ज्योति कालानी की क्या स्टोरी है, ओमी कालानी के ऊपर कितने केसेस है, मेरे ऊपर उन्होंने निकाला, मेरे लिए बताया कुमार लानी एक BJP का नेता है, ऐसा करके उन्होंने सब मायती दे रहे थे। तो फिर मैंने जब भी मुझे मौका मिला सबका बात करने के लिए, तो मैंने कहा कि ये जो आपने मंच पे बोला है ये उचित नहीं है, आपको नहीं बोलना चाहिए। आपका अगर पर्सनल कुछ भी इशू है या कोई भी चीज़ें ये है, कभी भी ये पॉलिटिकली सभा में नहीं बोली जाती, ऐसा मैंने वहाँ पे सभा में बोला था। कल ही राम वाधवा ने BJP ज्वाइन किया था और कल ही उन्होंने इस तरह से बयान दिया है जो आपके हिसाब से ठीक भी नहीं है, तो अभी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी क्या? जरूर कार्रवाई। देखिए, पहली बात तो उनको हमने मना कर दिया उसी समय सबके सामने, जो हम पे भी हमारा प्रोग्राम चलता था और प्रोग्राम में मैंने उठ के बोला कि ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए शब्द, जो भी बातें हैं गूगल में क्या है या वो लोग कैसे हैं ये हम ओपन में नहीं बोल सकते, और वहाँ पे स्पष्टीकरण सबके सामने मैंने कर दिया। कलानी फैमिली को जो अभी हर्ट हुआ है, इस बारे में आप एक जाहिर माफ़ी या जाहिर कबूलनामा करते हैं क्या? देखिए, मैं तो बोलता हूँ, एक बात सुनिए, कलानी फैमिली को हर्ट वो नहीं हुआ है, हर्ट हुआ है उनके राष्ट्रवादी के आदमी BJP में आए हैं, प्रवेश किए हैं, हर्ट वो हुआ है। हर्ट उन्होंने बोला है वो दिखाने का एक है, करने का एक है। जो हमने उनके मेन जो आदमी थे उनके इलाके के, जो एक नगर सेवक थे, उन्होंने BJP में प्रवेश की, मेन उनको हर्ट वो है, लेकिन गुस्सा दूसरा निकाला है। मोर्चा मैंने कुछ एक उनके लिए एक शब्द भी नहीं बोला, मैंने उनके लिए कभी कालानी परिवार का नाम भी नहीं लिया,
कभी भाषण में होए, मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी पड़ी है। कल जो भी हमारा पक्ष प्रवेश था उसमें मैंने सब्जेक्ट भी नहीं निकाला। अगर आम आदमी ने बोला तो उसके ऊपर मोर्चा निकाले, मेरे ऊपर निकालने का क्या विषय ही नहीं है। आज मेरे घर पे मोर्चा लेके आने गए तो हमारी पनवेल में आज नड्डा साहब आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ पे मीटिंग थी जहाँ पे हमें सभी खासदार आमदार कोकण भवन के और जिला अध्यक्ष सभी लोग वहाँ पे थे। और अभी अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, जैसा मुझे मालूम पड़ा, मेरे मिसेज ने बताया कि ऐसे घर पे मोर्चा आया, तो मैं बोला आप पुलिस को कंप्लेन कर दो, ऐसा था घर पे मोर्चा आया, उनके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो हम करवाएंगे। जिला अध्यक्ष होने के नाते आप इस घटने की जवाबदारी ले रहे हैं क्या? देखिए, जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं बोलूँगा इन्होंने जो भी किया है उन्होंने गलत किया है। एक तरह से बोलते भारतीय जनता पार्टी में हम पद ले हुए आमदार बने और कार्यकर्ता बने, और दूसरे तरफ से चोर है, गलत है, ऐसा है वैसा है, आके जिला अध्यक्ष के लिए अपशब्द बोलना वो गलत है, और ये डिसिप्लिन बिगाड़ने वाले लोग हैं। आज हमने भारतीय जनता पार्टी में हम लेने की कोशिश की कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन ये नहीं कभी भी सुधरेंगे, मुझे पक्का पूरा विश्वास है। इनकी जो भाषा है वो ही रहेगी क्रिमिनल टाइप। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहर में आए दिन इमारतें गिर रही है, ऐसे में उल्हासनगर कैंप नंबर 5 में शेरावाली अपार्टमेंट का स्लैब गिरा, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। आइए लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। ये है उल्हासनगर 5 के शेरावाली अपार्टमेंट। आप देख सकते हैं कि इसका एक स्लैब गिर चुका है। स्लैब गिरने की वजह से स्थानीय लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और वहाँ के परिसर में खलबल मची हुई है। पास की बिल्डिंग को भी महानगर पालिका ने नोटिस देकर उनकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। बताया जा रहा था कि शेरावाली अपार्टमेंट को नोटिस देकर पहले ही खाली कराया गया था, हालांकि वहां पे कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे की जन आशीर्वाद यात्रा 18 तारीख को उल्हासनगर पहुंचेगी। शिवसेना नेते युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्य साहेब ठाकरे यांचं जन आशीर्वाद यात्रा संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुरू आहे। ह्याचाच एक भाग म्हणून जन आशीर्वाद यात्रा ही उल्हासनगरला 18 तारखेला दुपारी 12 वाजता कैलाश कॉलनी इथून सुरू होणार आहे। कैलाश कॉलनी मार्गे 4 नंबर मुख्य बाजार, श्रीराम चौक, पवई हिराघाट आणि दर्बी हॉटेल समोरून मुख्य रस्ता कल्याण अंबरनाथ रस्ता शांतीनगर मार्गे जाणार आहे। मी सर्व शिवसेनेच्या पदाधिकारी, शिवसेनेचे शिवसैनिक, शिवसेना प्रेमी नागरिक आणि उल्हासनगरच्या नागरिकांना आवाहन करतो की ह्या यात्रेचं आपण स्वागत करा। आपले जे काही मनातले प्रश्न आहेत तेही आपण ह्या यात्रेच्या माध्यमातून आदित्य साहेबांना विचारू शकता। आदित्य साहेब आपल्याशी संवाद साधण्यासाठी 4 नंबर ओटी या ठिकाणी आणि शांतीनगर या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत दिनांक 18 रोजी। तर आपण आपल्याला काय आपल्याशी संवाद ते साधणार आहेत, आपल्या मनातले काय प्रश्न असतील ते आपण त्यांना विचारू शकता आणि त्यांचं स्वागत शिवसेनेच्या माध्यमातून होणारच आहे। पण उल्हासनगरच्या नागरिकांनी, शिवसैनिकांनी आणि शिवसेना प्रेमी नागरिकांनी जर केलं तर बरं होईल असं मी नागरिकांना विनंती करतो, आवाहन करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहीद अरुण कुमार वैद्य सभागृह यानी कि टाउन हॉल में भाजपा द्वारा एक बैठक बुलाई गई जो कि दुखदायक इमारतों के विषय में थी। इस बैठक में हमारे शहर के कुछ आर्किटेक्ट्स भी शामिल हुए जिन्होंने चर्चा विमर्श किया। देखिए, आज यहाँ पर टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कई नगर सेवक पदाधिकारी सबको हमने बुलाया था, इसमें शहर के कुछ आर्किटेक्ट और इंजीनियर उनको भी बुलाया था ताकि जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकला है सरकार की तरफ से 4 FSI के विषय में, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं या 30 वर्ष पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो डेंजरस बिल्डिंग है उनको रीडेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं 4 FSI तक या 4 FSI से कम जितनी भी FSI में वो बनी हुई हैं, उसके विषय में जो हमें 12 अक्टूबर तक सजेशन भेजने हैं, उसके लिए हमने आज यहाँ पर आर्किटेक्ट्स जैसे लक्ष्मण कटारिया जी, रूपानी जी, हमारे कमलेश सुतार जी, राजेश सिंह जी और हमारे सावंत जी और कई आर्किटेक्ट को यहाँ पर बुलाया था। वहाँ यहाँ पर आकर के उन्होंने
अढ़ाई तीन घंटे तक हमने डिस्कशन किया हर विषय पर। हमारे यहाँ पर हमारे डॉक्टर नाथानी जी भी हैं, कुमार अलानी जी हैं, राजेश जी हैं, सभी हमारे पदाधिकारी, किशोर वनवारी जी, राजू जग्यासी जी, हमारे रामचारली जी, विजू पाटिल जी, कई हमारे पदाधिकारी थे और कुछ आकर के गए भी हैं, प्रदीप रामचंदानी जी थे, जिन्होंने अलग अलग जो जो उनके इलाकों में जो बिल्डिंगें बनी हैं, कोई चार पैसा में बनी है, कोई चार पैसा से कम बनी है, किसको सन्नत है, किसको सन्नत नहीं है, उसके बारे में पूरी जानकारी आज हमने इकट्ठा की। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कुमार अलानी जी और हम सबके लेटरों पर हम सरकार से जो भी उसमें सुझाव हमने देने हैं, जो भी उसमें करेक्शन करनी है, वो सुझाव हम तैयार कर रहे हैं और इस हफ्ते के अंदर हम सुझाव सरकार के पास भेजेंगे और वो करा के भी लाएंगे। क्योंकि यह जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें हमारे पूर्व आमदार कुमार अलानी जी और हमारे पूर्व महापौर मीना अलानी जी और हमारे सभी नगर सेवकों का पूरा पूरा योगदान रहा है। क्योंकि पिछले तीन चार वर्ष से लगातार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में थे और उन्होंने यह नोटिफिकेशन निकाला। यह नोटिफिकेशन का जब हमने हमारे आर्किटेक्ट और इंजीनियरों से सलाह की तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकला है, दो तीन करेक्शन होने के बाद यह पूरे शहर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इसमें कोई भी बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है, जो डेंजरस बिल्डिंग है, वह बिल्डिंग रेगुलराइजेशन कराने के बाद तोड़ करके चार एफएसआई या जितनी भी एफएसआई कम एफएसआई में वो बनी हुई है, अगर वो तीन एफएसआई में बनी है तो तीन में मैक्सिमम चार और मिनिमम जितनी बनी हुई है उसमें वह वापस से रीडेवलप कर सकते हैं। यह सभी आर्किटेक्ट ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सराहना की है कि ऐसा जो नोटिफिकेशन है पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं है, आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो इस चैनल के माध्यम से भी सभी शहरवासियों से हम निवेदन करेंगे कि हमने आर्किटेक्ट और इंजीनियर से बातचीत की है, अलग अलग बिल्डिंगों के लोग जो उनके मुख्य पदाधिकारी हैं वो जा करके आर्किटेक्ट से फ्री में सलाह ले सकते हैं और अपनी बिल्डिंग को रेगुलराइज कराकर डी फॉर्म लेकर फिर से रीडेवलप करने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। हम उल्लासनगर के आयुक्त को भी निवेदन करेंगे कि इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम और हर हफ्ते एक कैंप लगाई जाए जिसमें जितने भी प्रपोजल आते हैं उन सब का निपटारा तुरंत किया जाए ताकि इस शहर में कोई भी ऐसी बिल्डिंग न बचे जो रीडेवलप ना हो सको। और सभी बिल्डिंगों को हम बिल्डिंग के लोगों को अलग अलग हमारे नगर सेवक अपने अपने वार्डों में जो उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, जो डेंजर बिल्डिंग है, उनसे निवेदन करेंगे, उनको आर्किटेक्ट के पास ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन लोगों के लिए हर एक सुविधा रखी जाएगी ताकि उनको हम मार्गदर्शन कर सकें और यह शहर एक सुंदर शहर बन सके। आज बहुत खुशी की बात है जो हमारे चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो हमारे उल्लासनगर के लिए चार पैसा दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरी उल्लासनगर के तरफ से जो हमारी काफ़ी समय से मांग थी, लास्ट मंथ भी मैं उनसे मिला था, उनको कहा था साहब इलेक्शन के पहले हमें ये नोटिफिकेशन दे दीजिए, उन्होंने अपना पूरा वायदा किया जो हमें कहा था कि मैं इलेक्शन के पहले आपके उल्लासनगर को चार पैसा दूंगा। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कदावर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पूरे उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी और सभी सिटीजन के तरफ से, जिन्होंने उल्लासनगर के लिए जो धोखादायक बिल्डिंग है, जो जर्जर इमारतें काफ़ी गिर चुकी है और काफ़ी जो धोखादायक 855 बिल्डिंग, करीबन उल्लासनगर में 2000 बिल्डिंग्स है जो डेंजरस है या जो डेंजरस नहीं भी है 2005 के पहले की बनी हुई है, उसको भी अगर रीडेवलप करना है, जिसका चार एफएसआई तक अगर किसी को भी रीडेवलपमेंट का परमिशन लेना है तो हमारा प्रयास चल रहा है कि कॉर्पोरेशन में कमिश्नर को बोल के जो भी परमिशन है एक ही जगह पे एक हफ्ते के अंदर उनको परमिशन मिलनी चाहिए, जो भी जो पहले आदमी डी फार्म के लिए भटकते थे वो भटकना ना पड़े, जिसको भी अगर रीडेवलप करवाना है तो इस उल्लासनगर में कोई भी आर्किटेक्ट के पास या कोई भी नगर सेवक के पास उल्लासनगर में जाके सलाह मशवरा कर सकता है। आपको सभी नगर सेवक मदद करेंगे, हर एक के वार्ड में बिल्डिंगें हैं तो ये सभी नगर सेवकों को जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहर के हालतों को देखकर कोणार्क न्यूज के रिपोर्टर कुणाल कपूर ने जाना चुनाव में लोगों का मत। आइए लेते हैं लोगों की प्रतिक्रिया।
मांगने आएंगे तो इसी तरह की परिस्थिति रहेगी देंगे, दान करेगा। ये देख लो तुम्हारे सामने क्या हाल लग रहा है, रोज का टर्न ले बोले 10 में थोड़ा आगे जाएगा, वापस ब्रेक दबाओ। इधर से नहीं है, मैं इधर आया पटरी पुल से, उधर से आया। मतदान करेंगे? मतदान तो अभी देखो जो बनाएगा रोड उसको मतदान नहीं बनेगा, रोड तो क्या करेगा, मतदान नहीं करे, मिल जाए फिर एकजुट सब जने हो जाओ, अकेले से कुछ नहीं होने वाला, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। अरे ये रोड बहुत अच्छा है बाबा, टेंशन नहीं, एकदम अच्छा है। वोट करोगे इस पे भी? वोट करोगे? जरूर जरूर देंगे। वोट करोगे? पहली बार इतना अच्छा रोड है, अब इससे अच्छा क्या होता है, शर्म आनी चाहिए सामने। हाँ ठीक है, आपका यहाँ उल्लासनगर का रोड सही नहीं है, लोग खड्डी खुडे में लोग एक्सीडेंट हो रहा है, किस बेस पे में मतदान किया जाएगा? मतदान ऐसे नहीं होता है, कम से कम रोड तो सही होना चाहिए, और सभी जगह उल्लासनगर में रोड खराब है, सभी जगह। बोलिए, गाड़ी स्लिप हो जाए, खड्डे देखो कितने, इधर देखो खड्डे, ये देखो म्युनिसिपैलिटी। परिस्थिति को देख के चुनाव में मतदान करेंगे या फिर कैसे देखते हैं मतदान को? अभी मतदान को क्या देखे, फिर अपने अपने सब आते रोटी सेकते, बोले हमको दो मतदान, हमको करो, ये देखो पूरे खड्डे देखो कितना पब्लिक परेशान है। हालत यह है कि लोगों का कहना है कि पब्लिक जो है पूरी तरीके से परेशान है, चुनाव आने वाला है, ये भोली भाली जनता है फिर भी मतदान करेगी, और लोगों से पूछते हैं मतदान किस तरीके से करेंगे, अभी चुनाव आने वाले हैं, परिस्थिति आप देख रहे हैं क्या है? तो डेवलपमेंट पे होगा ना, डेवलपमेंट पे, जो काम के ऊपर, काम नहीं हुआ है सालों में, हुआ डेवलपमेंट यहाँ पे, मेरे उल्लासनगर में लगता नहीं कुछ डेवलपमेंट होता है, आश्वासनों पे ही जी रहे हैं वो, तो आश्वासन तो हमारा उम्र ही निकल गया आश्वासन। लोगों का कहना है कि आधी जिंदगी जो है आश्वासन पे ही गुजर गई है। आपसे जानेंगे चुनाव आने वाला है, ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से मतदान करेंगे? अरे मोदी को वोट नहीं देंगे, लोग कह रहे हैं मोदी को वोट नहीं देंगे, मतदान किस प्रकार से करेंगे परिस्थिति को देख के? चुनाव नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करना भी तो कहीं ना कहीं गलती है। गलती तो है, पर सर महानगर पालिका भी सोचना चाहिए ना थोड़ा। लोगों का कहना है कि मतदान नहीं करेंगे, लेकिन मतदान नहीं करना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, अपराध होता है। चुनाव आ रहा है, परिस्थिति को देख के क्या वोट करेंगे? वोट करते हैं ना मैं किसी को? आप नहीं करते वोट? कभी नहीं। ये गलत भी है, वोट ना करना ये गलत है। किसको करें? लेकिन क्या कहेंगे? कुछ बोलने के लायक नहीं, सामने सब दिख रहा है। शुक्रिया। लोग कहने के लिए भी तैयार नहीं है, परिस्थिति से इतने परेशान हो गए हैं कि वो कहते हैं कि क्या कहें, चुनाव आने वाला है, होले होले हचकोले खा रहे हैं, आप रास्तों पे क्या कहेंगे? लोगों ने ऐसा आमदार चुन के देने चाहिए जो पहले शहर के खड्डे भरे फिर इलेक्शन में खड़े रहे, फिर तो खड़े ही नहीं होने चाहिए कोई भी। लोगों का कहना है कि आमदार ऐसा चुन के आए हैं कि रास्तों के खड्डे भरे जाए, आप कोई भी नगर सेवक हो, नहीं कहना चाहते। कुछ लोग तो कहना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका दर्द बहुत बड़ा है और वो अपने दर्द को बयां करना। हाँ को ये छोड़ दो, ये राजकारण कुछ भी काम करना है, गाड़ी पलटी होने लगा, पलटी करता हो गाड़ी ऐसा। देख रहे हैं किस तरीके से गुस्सा है लोगों का, आप देख रहे हैं हरकतें भी देख रहे हैं, क्या गिर रहे, कितने लोग मर रहे हैं, क्या कभी होगा ये रोड, कितने लोग गिर जाते। मतदान करेंगे इस परिस्थिति में आप? मतदान करेंगे इस परिस्थिति में? वोट मांगने आएगा किसको चुन के देने का? किसी को चुन के दिया, कोई काम नहीं करता था, क्या करने का भी बोलो। जनता कह रही है कि आखिरकार मतदान किसको करें, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आ रहा है, इस सड़कों को देख के मतदान करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करना भी गलती है, मतदान नहीं करना भी गलती है। क्या गलती है? सरकारी बराबर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? सरकार बोलता कुछ और है लेकिन करता कुछ नहीं है। अभी तक जो बाढ़ पीड़ित मदद था ना, वो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। अच्छा, बाढ़ के पैसे भी खा गए? हुआ नहीं तो क्या, अभी तक मिला ही नहीं हम लोगों को। देखिए रास्ते पे चलते चलते कई लोग ऐसे भी मिल जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि जो बाढ़ आई थी, परिस्थिति थी, उसके भी पैसे लोग खा गए। आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आ रहा है, सड़कों को देखकर मतदान करेंगे? मतदान क्या करेंगे, कमर की हड्डियां तो टूट जाती है लोगों की, कमर की हड्डियां टूट जाती है, तो एक पॉलिसी मोदी सरकार को लानी चाहिए कि लोगों का इंश्योरेंस बनाया जाए। सब पैसा बोल दो। सर आप एडवोकेट हैं, सर जिस तरीके से परिस्थिति यहाँ बनी हुई है, क्या कहते हैं आप इसको देखकर जनता को जो है मतदान देना चाहिए विषय में ना? हाँ जी सर, पहली बात तो ऐसा है इस रास्ते के विषय में, मैं खुद अब ये संजोगी कहा जा सकता है कि मैंने मुख्यमंत्री तक पत्र व्यवहार किया हुआ है,
आयुक्त को दिया हुआ है और सब दिया है। और सर ये है कि जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं ना जी, अगर उन्होंने सिस्टमेटिक काम किया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। आपने भी अगर सर 8-10 दिन पहले देखा होगा गणपति का जो माहौल था, जो महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, उसमें भी रस्ते यही हालत में है। देखिए ये आम जनता नहीं लेकिन एक एडवोकेट भी है जो कि कायदे कानून को जानते हैं, ये भी कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि किसी भी तरीके का काम नहीं करते। अच्छा आपको क्या लगता है ये रास्तों की इस हालतों को देखकर जनता को मतदान करना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं, ऐसी जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आमदार खासदार होंगे नगर सेवक होंगे ना, उन लोग को ना बिल्कुल मतदान नहीं करना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए। हाँ अगर जनता को पैसा चाहिए तो बिल्कुल उनको मतदान करेंगे। लेकिन बात तो आपने सही कही, अगर पैसा ले लेंगे तो आपको इसी परिस्थिति में रहना पड़ेगा, और मतदान कीजिए। और क्या कहेंगे परिस्थितियों की? सर मैं यही कहूँगा कि जनता है उसको जागरूक होना चाहिए, हम जाति धर्म भेदभाव पैसे का लालच छोड़ के अपने शहर का विकास करने की अगर बात करें उसके बारे में सोचे तो शायद यहाँ का एरिया का डेवलपमेंट हो जाए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। जिस तरीके से मतदान अगर आप पैसे को लेके करते हैं तो परिस्थिति यही रहेगी, ये भी सवाल है। इस रास्ते को देखकर मतदान करेंगे? अरे यार क्या मतदान करेंगे यार, रास्ते को देखकर कितना खराब रास्ता है, बहुत खराब है बहुत खराब रास्ता। आप कुछ कह दीजिए। तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कोई सुनना नहीं चाहता है यहाँ पे, हम कितना बोलना चाहते हैं सुनना नहीं है किसी को। मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे सब लोग बैठ जाए पूरा दिन आके, तो इनको पता चले जो पैसे जेब में डाले एटलीस्ट रास्तों पे मट्टी तो डालो। इस परिस्थिति के जिम्मेदार नागरिक भी हैं, इतने सालों से उन्हीं को चुन जिम्मेदार है, हम मानते हैं इस चीज को। अभी तो नोटा ही होगा, उल्लासनगर में होगा तो सिर्फ नोटा होगा, कोई नहीं चाहिए। जब कोई काम करता ही नहीं है तो चुन के क्यों आते हैं, पैसे क्यों लेते हैं? मतलब ना आइए, कोई चाहिए ही नहीं हमको। हम 1 घंटा चलते हैं, बाकायदा सर दर्द करने लगता है, आप ऐसे ऊपर नीचे होइए पूरा दिन गड्ढों में। उनको खड़ा करिए, एक बार बोले 2-व्हीलर चला दो इस रास्ते पे, मान लेंगे इनको हम। ये कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे ये महिला जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कहते कहते भावुक भी हो गई, लेकिन ये हकीकत है कि जनता काफी त्रस्त है। और इस बार पहचान की एक लेडीज मैं आपको सुना हूँ, मैंने सुना महाराजा हॉल के इधर वो बेचारी उनकी बहू हॉस्पिटलाइज थी, ऐसे ही गड्ढे में गिर के आज वो कोमा में पड़ी है। आप बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए ये भी क्या जिंदगी है, लोगों को जो है जिन्होंने चुन के लाया उनको जो है अस्पताल में भेजने की पूरी तैयारी जो है प्रशासनिक लोगों ने कर रखी है, जनप्रतिनिधियों ने कर रखी है। हाल तो यह है कि दर्द हम किसे कहें, क्योंकि दर्द निकालना भी इस तरीके से हो गया है कि गूंगों के शहर में जाके कुछ कहना या फिर बहरों के शहर में जाके कुछ सुनाने वाला काम हो गया है। तो बहरहाल परिस्थिति यह है कि चुनाव के समय में भी यही परिस्थिति बनी रहेगी रास्तों की, नागरिकों को जो है इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ना जाने कितने लोग अस्पताल में जाएंगे। लेकिन चुनाव में वोट मांगने नेता जरूर आएंगे, तो एक सवाल जरूर कर लीजिएगा कि भाई साहब विकास किसका होगा, हमारा या आपका? कोणार्क अपना शहर अपनी बात। तो ये थी अब तक की खबरें, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों को देखते रहिए और जानते रहिए शहर की ताजा तरीन खबरें। अगर आपने हमारा एपिसोड मिस कर दिया है तो आप हमारे मंच टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाके कोणार्क अपना शहर अपनी बातें देख सकते हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें को देखने के लिए हमारे मंच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप बने रहिए शहर की गतिविधियों की ओर। सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।